भाई ये मुझे ये समझा रही थी कि किसकी पिक्चर्स लेनी है और किसकी नहीं। सितारा? अरे निम्मी, और नहीं तो क्या, बताना पड़ता है ना यार। ये फोटोग्राफर्स का तुम्हें पता ही है ना कैसे होते हैं, आलतू फालतू लोगों की तस्वीरें बनाते हैं और फिर एल्बम्स में लगा लेते हैं और फिर पैसे मांगते हैं, इसलिए बता रही थी मैं। वो एक बच्ची का बाप था, 6 फैक्ट्रियों का मालिक भी तो था ना। कौन सी उसकी बीवी जिंदा थी? उसने सोचा होगा कि जैसे तुमने उसका स्टेटस पाने के लिए जिद्दोजहद की, उसकी 6 फैक्ट्रियों को 12 फैक्ट्रियां बनाने में भी उसका साथ दोगी। लेकिन तुम तो एक अच्छी माँ तक साबित नहीं हो सके। एक काम करो, देखो मुझे, देखो और बताओ, क्या तुम मुझे एक बार देखने के बाद कभी भूल पाओगे? आजकल तो हर लड़का अपनी मर्जी से ही शादी करता है, माओ की पसंद पे एतबार ही कहाँ रहा है उन्हें। बिल्कुल सही कहा, मैं तो कहती हूँ कासिम की लगामें खींच के रखना, ऐसा ना हो कि वो भी अपने एहतशाम की तरह किसी और शहर में आंकड़ा भिड़ा ले। अंदर कौन है? क्या हुआ, कौन है? अच्छा जी, तुम भी अंदर ही थे। ये तुम कैमरामैन के साथ अंदर क्या कर रही थी भी? क्या मतलब क्या कर रही थी, कॉफी बना रही थी मैं। मतलब ये है कि तुम मुझे पहले ही जलील करवा चुके हो या मजीद इंसल्ट करवाने का प्लान है? अरे नहीं नहीं बेटा, सितारा का कुछ नहीं। नहीं नहीं आंटी, सितारा नहीं, सितारा के हवाले से जो कहा गया है ना वो। हो खाला भी? नहीं बेटा, खाला भी कुछ नहीं कहेंगी, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ। नहीं आंटी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब अगर किसी ने मुझे कुछ कहा ना तो मैं चुप नहीं रहूंगा।